स्त्री स्वतंत्र होगी, मर्यादाओं की बेड़ियों में जो नारी मर्यादाओं की बेड़ियों को तोड़कर जो स्वतंत्र होगी वह नारी सूपनखा हो जाएगी, और जो नारी मर्यादा की बेड़ियों में रहेगी वह सीता हो जाएगी। आपकी मर्यादा आपको सीता बनाएगी और आपकी स्वतंत्रता आपको सूपनखा बनाएगी। चलो बताओ, राम स्वतंत्र हैं कि रावण? बोलो, राम स्वतंत्र नहीं है, राम तो मर्यादा के बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो रावण है, किसी को भी उठा कर ले आता है। जो पुरुष स्वतंत्र होगा मर्यादा की बेड़ियों को तोड़कर वह पुरुष रावण हो जाएगा। इसलिए पुरुषों को भी स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मर्यादा के बंधन में बंधना चाहिए ऐसा है। पुरुष किसके बंधन में रहेगा? मर्यादा के। और नारी किसके बंधन में रहेगी? मर्यादा के। यदि आप आजाद हुए तो सूपनखा और रावण की तरह हाल होगा। इसलिए स्वतंत्र नहीं, बंधन मर्यादा का। पर आज का समाज क्या चाहता है? स्वतंत्रता। इसलिए आज का समाज स्वतंत्र होकर चरित्रहीन हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी चरित्रहीन होती जा रही है। लिविन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़कियां, लिविन। कितना गंदा कल्चर है, पराई औरत के संग आप रह रहे हैं, पराए मर्द के संग आप रह रहे हैं। जब आप चरित्रहीन हो जाओगे तो चरित्रहीन लोग एक अच्छी समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते। ये देश का, राष्ट्र का, समाज का निर्माण वही कर सकता है जो चरित्रवान हो। चरित्रहीन रावण था तो रावण ने अपना नाश नहीं, समूचे लंका का नाश कर दिया। पूरा देश एक चरित्रहीन राजा के हाथ में चला गया तो सारा देश नष्ट हो गया रावण का। और राम चरित्रवान है तो राम के हाथों में जब राज्य आया तो राम जैसे राजा की कल्पना आज कलयुग में भी की जा रही है। राम चरित्रवान है और राजा कैसा हो? बोलो, चरित्रहीन या चरित्रवान? लंका का राजा चरित्रहीन था और भारत का राजा चरित्रवान। इसलिए लंका के राजा का पुतला जलाया जाता है और राम भारत के राजा के मंदिर बनाए जाते हैं। मेरी मां, आप अपने बेटे को एक क्लास कम पढ़ाना चलेगा पर चरित्रवान बनाना। तुम्हारी बेटी चरित्रहीन हो गई, तुम्हारा बेटा चरित्रहीन हो गया तो सब सारी डिग्रियां पाकर भी सब चला जाएगा। वो चरित्रहीन संतान ना वो अपना भला कर सकती है, ना परिवार का, ना समाज का। इतिहास गवाह है, चरित्रहीन लोगों ने इतिहास नहीं रचा, चरित्रवान लोगों ने इतिहास रचा है। इसलिए भारत में पूजा किसकी होती है? राम चरित्र मानस, राम का चरित्र कहा जाता है और राम का चरित्र सुना जाता है। तो बच्चों को क्या बनाओगे? बोलो जोर से, जोर से नहीं बोला जा रहा है, चरित्रवान। और चरित्रवान बच्चों को बनाने के पहले आप माता पिता को चरित्रवान होना पड़ेगा। आप चरित्रवान होंगे तो निश्चित आपकी संतान चरित्रवान होगी। चरित्र गया तो सब चला गया। एक बहन ने कल मेरे से एक सवाल कर दिया, बोले महाराज जी, भारत के लोग पूजा करते हैं,
उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर भी भारत में गरीबी है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस के लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, जप तप नहीं करते, पूजा नहीं करते, फिर भी वो लोग भारत से संपन्न हैं, अमीर हैं। ऐसा एक सवाल कल मेरे से एक बहन ने किया। भारत के लोग बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक हैं, लेकिन भारत के लोग धार्मिक हैं पर भारत में गरीबी है। अमेरिका, लंदन, जापान के लोग धार्मिक नहीं है पर वहां संपन्नता ज्यादा है। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर पूजा पाठ करने से फायदा क्या? तो अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैंने उस बहन से जो कहा वही मैं आपसे कहता हूं। मैंने समझाया, बहन एक बात बताओ, चलो मैं एक बात समझाता हूं, समझो। आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में दो स्त्रियां रहती हैं। सवाल का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और उत्तर आपको ही देना है। आपके सोसाइटी, मोहल्ले, कॉलोनी में दो महिलाएं रहती हैं। एक महिला बिल्कुल गरीब है, उसका पति रिक्शा चलाता है, लेकिन वह पत्नी बड़ी पतिव्रता है। रिक्शे वाले की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रता। और दूसरी स्त्री है वो महलों में रहती है, पर आप सबको पता है कि वो तो वैश्या है। एक स्त्री है जो बहुत पैसे वाली है पर वो वैश्या है, और दूसरी स्त्री है जो बहुत गरीब है परंतु वो बड़ी पतिव्रता है, पवित्र है गंगा की तरह। अब आप बताओ कि आप किस स्त्री का आदर करोगे, जो पैसे वाली वैश्या वो, या झोपड़ी में रहने वाली पतिव्रता नारी वो? उत्तर दो आप, किसका सम्मान करोगे, वैश्या का या उस चरित्रवान झोपड़ी में रहने वाली स्त्री का? हां, हम भारत के लोग हैं साहब, हम पैसे को बड़ा कभी कहते ही नहीं, हम तो सदा से चरित्र को ही बड़ा कहते आए हैं। पैसे वाली होगी वो, होंगे पैसे वाले लंदन, अमेरिका, जापान के लोग, वो पैसे वाले होंगे अमेरिका, लंदन, जापान के लोग, पर भारत के लोग चरित्रवान हैं। चरित्र के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं है, है तो बताओ, चरित्र बड़ा है कि पैसा? जोर से, जोर से। इसलिए भारत में धर्म है, अमेरिका, लंदन, जापान में धर्म नहीं है, इसलिए वहां चरित्र नहीं है। भारत में पूजा पाठ जप तप धर्म है, इसलिए चरित्र है। और जिसका चरित्र होता है ना साहब, वही बड़ा होता है। बड़ा पैसे से तो रावण था, यदि पैसे वाला बड़ा तुम कहते हो तो फिर रावण की पूजा करो, पर रावण पैसे से बड़ा था, चरित्र से नहीं। और हमारा देश पैसे वाले की पूजा नहीं करता, चरित्र वाले की पूजा करता है। इसलिए भारत के लोगों के पास चरित्र है। हमारे भारत में आज भी स्त्रियां विधवा होती हैं, बोलो हां। अमेरिका, लंदन, जापान की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहां एक चला गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। 80 साल की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां भी 80 साल का बूढ़ा बॉयफ्रेंड खोज करके ले आती हैं, बॉयफ्रेंड खोज के। सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। भारत के आधार कार्ड में पिता का नाम होता है और मां का नाम होता है, ये बात सही है कि गलत है? हमारे यहां के सरकारी दस्तावेजों में माता पिता दोनों का नाम होता है, ये बात सही है या गलत है?
अमेरिका, लंदन, जापान के सरकारी दस्तावेजों में केवल माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं, क्योंकि वहां के लोगों का बाप कन्फर्म ही नहीं है। सही बोल रहे हैं, हमारे यहां तो बाप कन्फर्म है, दादा परदादा सब कन्फर्म है। तो हमारे यहां चरित्र बड़ा है, हमारे यहां चरित्र है, पैसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, पैसा से क्या है, हमें पैसे, हम पैसे के पीछे भागे कब, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश। मेरे राम पैसे को लात मार के निकल गए लंका जंगल की तरफ, हाँ या ना। मेरे भगवान अयोध्या की सत्ता को, और भरत जी ने अयोध्या की सत्ता को ठुकराया कि नहीं, पैसे को ठुकराया कि नहीं। हमारे यहां पैसे को ठुकराया गया, रिश्तों को नहीं ठुकराया गया। लेकिन विदेशों में लड़की 18 साल की होती है, अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। जहां रिश्तों की कोई कदर ना हो, वो पैसे से कितने बड़े हो जाए साहब, पर वो भारत के लोगों से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में माता को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है। हमारे भारत का लड़का यदि संस्कारी है तो वो माता पिता के पांव धो के पीता है। हमारे भारत का लड़का संस्कारी है तो वो अपने माता पिता के पांव धोकर पीता है। ऐसे संस्कार वाले भारत को आप अमेरिका, लंदन, जापान से तुलना ना करो। भारत की तुलना किसी अन्य देश से कभी हो नहीं सकती। अमेरिका को अभी हजारों साल लग जाएंगे भारत के जैसा चरित्र बनाने में। बात सही है कि गलत है? कोई पैसे से बड़ा है तो भैया तू बना रहे, हम किससे बड़े हैं, जोर से। इसलिए अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी समाज को चरित्रवान बनाओ, क्योंकि भारत की पहचान, भारत की संपत्ति चरित्र ही है। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपकी पूंजी है। आज के आपाधापी में, आज के भागदौड़ में चरित्र ना गवाओ, बहुत क्षति हो जाएगी। आज लिविन में रहने वाले लोग, लड़का लड़की, आज कुछ लड़का लड़की चरित्रहीन जो हो रहे हैं लिविन के द्वारा, अब आने वाले 10 साल में क्या होगा इस देश का यदि चरित्रहीनता की तरफ समाज बढ़ जाएगी तो? नाश हो जाएगा, नाश मत होने दो देश का, बचाओ इसे। बोलो भारत माता की जय हो। तो बताओ भारत अच्छा है कि अमेरिका, भारत अच्छा है कि इंग्लैंड, भारत अच्छा है कि चाइना, भारत क्या अच्छा है भारत में? हमारे भारत में पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं स्त्रियां, पर पराए पुरुष की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसा चरित्र कहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में घूम लो, भारत की महिलाओं के जैसा चरित्र, भारत के पुरुषों के जैसा चरित्र केवल भारत में है। माना कि आज भी भारत में बहुत सारे लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में फिर भी चरित्रवान लोगों की कमी नहीं। ये बात सही है कि गलत है? पैसे से तुलना ना करो साहब, पैसा बड़ी बात नहीं है।